दोस्तों बात करेंगे मस्तानी के बारे में। बाजीराव को मस्तानी शायद बुंदेला राजा वीर छत्रसाल की तरफ से बुंदेलखंड पर विजय के फलस्वरूप भेंट में मिली थी। ये अपने समय में भारतवर्ष की सबसे अधिक सुंदर स्त्री थी। कहा जाता है कि उसकी माता मुसलमान और पिता हिंदू थे। उसने बाजीराव का हृदय ऐसा मोह लिया था कि वह दिल से उससे प्रेम करने लगा था। मस्तानी पूना के राजमहल में एक भाग में रहती थी, जिसका नाम उसी के नाम पर रख दिया गया था। कहते हैं कि बाजीराव में मांस और मदिरा का दुर्व्यसन मस्तानी के संपर्क से ही आया था। पेशवा के परिवार वालों को यह पसंद नहीं था और मस्तानी को मार डालने का उपाय सोचते थे, ताकि बाजीराव का वंश परंपरागत रहन सहन बना रहे और उस पर कोई कलंक ना लगे। बाजीराव जब युद्ध के मैदान में जाता था, तब मस्तानी बालाजी राव और चिमना जी की नज़रबंदी में रहती थी। जब बाजीराव के सबसे बड़े पुत्र एवं भावी पेशवा बालाजी बाजीराव का विवाह हुआ, तब मराठा पत्रों में उसके विषय में टीका टिप्पणी आरंभ हो गई और ब्राह्मण पुरोहितों ने यज्ञ तथा विवाह संस्कार करना तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक कि मस्तानी बाजीराव के स्थान से हटा ना दी गई। मस्तानी को कारागार में डाल दिया गया। इस समाचार से बाजीराव अत्यंत दुखी हुआ। इस सदमे से उसकी अचानक मृत्यु हो गई और बाजीराव की मृत्यु की खबर सुनकर मस्तानी भी पूना के महल में मर गई। यह बताना कठिन है कि उसने आत्महत्या की अथवा सदमे से मरी। पिंपल नेर के निकट मस्तानी का मकबरा आज भी बना हुआ है।